टाइप्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज। तो आप पढ़ रहे हो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वर्सेस थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिन्हें आप एक बार हीट करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, फिर उन्हें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया जाए, और ये प्रोसेस हम जब तक चाहे थोड़ी सी चेंज के साथ, प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी चेंज के साथ हम कर सकते हैं, उसे बोलोगे थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीमर्स कैन बी रीशेप, मतलब रीशेप तभी होंगे जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगे, फिर हम उसे किसी भी सांचे में ढाल लें उसकी शक्ल बदल जाएगी। कैन बी रीशेप बाय हीटिंग आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग क्या है, सिर्फ वर्ड से बात है, थर्मोसेटिंग मतलब हीट पर एक बार वो सेट हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी रीशेप्ड, दे कैन नॉट बी solidified, they cannot be liquefied from a solid. तो मैं कह रहा हूं polymers cannot be softened and hardened again and again. इसे आप बार बार solid से liquid और liquid से solid में change ना कर सकते हो, उन्हें बोलते हो thermosetting. और ये पूरी class है जो additional polymers होते हैं, they are thermoplastic, क्योंकि इनके अंदर double bond होते हैं और double bond टूट कर single bond में convert हो जाते हैं। Nothing is removed, कोई मॉलिक्यूल निकला नहीं है, सिर्फ एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के अंदर ऐड हुए, that is going to be called as additional polymers. जैसे पीवीसी, ये पीवीसी है, विनाइल क्लोराइड से ये बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी तरह विनाइल एसिटेट पॉलीविनाइल एसिटेट बन जाएगा। तो इनके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटते हैं तो सॉलिड बन जाते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड दोबारा डबल बॉन्ड में तोड़ दिए जाए तो उससे लिक्विड बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस आप जब तक चाहो चेंज कर सकते हो इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत चेंज के साथ, इट इज कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग कंडेंसेशनल होते हैं, मतलब एक मोनोमर दूसरे से मिले और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। अब जब रिमूव हो जाएगा जैसे नाइलन 6-6, जैसे पॉलीएस्टर्स पॉलीएमाइड, ये जब बिगर मॉलिक्यूल बनेंगे तो इनमें से मोनोमर के कनेक्शन के दौरान छोटे मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और वो चुके वापस ऐड नहीं होते तो मोनोमर दोबारा कभी नहीं बनता, मतलब ये जब एक बार सॉलिडिफाई हो जाते हैं दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड अगेन एंड अगेन, इन्हें बोलते हो थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड चेंज टू बेटर एंड योर बेटर चेंज टू बेस्ट। मतलब आप एक चैप्टर पढ़ते हो, आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, आपने तो अभी बुक भी पढ़नी है, आपने एक बुक के बाद दूसरी बुक्स भी पढ़नी है और फिर आपका ओवरऑल परसेंटेज निकलनी है, आपका लेवल चेक होने। तो थका ना करें, एक एफर्ट के बाद दूसरी एफर्ट के लिए खुद को तैयार रखा करें।